बॉयफ्रेंड या फिर अपने मेल पार्टनर को सेटिस्फाई कैसे करें? काफ़ी महिलाओं में ये कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन हर बार लड़कियाँ ये सोच कर घबरा जाती है कि ये क्वेश्चन वो पूछे किससे, अपनी मॉम से पूछे? बिल्कुल भी नहीं, या फिर अपनी फ्रेंड से। अपनी फ्रेंड से भी जब वो क्वेश्चन करती है तो कई बार उन्हें सही सजेशन या फिर सही सलाह मिल ही नहीं पाता। बहुत सारी लड़कियाँ जो ऐसी हैं जो शर्मा जाती हैं कि आखिर वो कैसे पूछे ये सारे क्वेश्चन कि उनके हस्बैंड या फिर उनका बीएफ किस तरह से खुश होगा और उनको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन वो कैसे दे। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स को सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिले। रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में है, यानी मेल एंड फीमेल दोनों के बीच में रिलेशनशिप आपके बीच में है तो आपका सेक्सुअल पार्ट भी इतना ही इम्पोर्टेंट है आपकी रिलेशनशिप में। कई बार झगड़ों की वजह तो यही हो जाती है कि वो एक दूसरे से सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं होते। तो चलिए इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि किस तरह से ये सारी टिप्स आजमा के आप इम्प्रेस कर सकते हैं अपने मेल पार्टनर को, अपने बॉयफ्रेंड या फिर अपने हस्बैंड को। लड़कियाँ हमेशा ये गलती करती हैं कि उन्हें ही तारीफ चाहिए, कभी वो अपने बॉयफ्रेंड या फिर अपने मेल पार्टनर की तारीफ ही नहीं करती। उनकी लुक्स की तारीफ क्या कीजिए, तभी उनको लगेगा कि आप उनसे अट्रैक्ट हैं और इसी वजह से वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। दूसरी जो बात है कि हमेशा लड़कियाँ ये गलती करती हैं कि वो उनके सामने सिर्फ कैजुअल लुक में जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं। जब आपको पता है कि अट्रैक्शन कैसे किया जाता है, फिर अट्रैक्ट किसी को कैसे करते हैं, जब आपने कुछ अच्छा या यूनिक दिखेगा उन्हें, हर एक दिन आप कुछ अलग सा बिहेव करोगे तब उन्हें लगेगा, या फिर ड्रेसअप होगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, तब जाके उनको अट्रैक्शन वाली फीलिंग आएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप उनके मन की बात जानिए। मन की बात कैसे जानिए कि आखिर उनको आप में क्या पसंद है और उनको क्या पसंद है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप बात करें फोर प्ले की, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की, सेक्सुअल पोजिशन की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या फिर सिर्फ सिंपली रोमांस की कि आपके बीच में रोमांस कैसे हो। ये सारी चीज़ें जब होती है, जब आप उनसे पूछते हो तो आपको आइडिया पता चल जाता है कि उनको क्या चाहिए। जब उनको जो चाहिए वो आप उन्हें दोगे या फिर उतना प्यार और लव और केयर दोगे, तो सिंपल सी बात है वो हैप्पी होंगे ही और आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चलेगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो का इंटेंशन बस आपको एजुकेशनल नॉलेज देना है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक जरूर करें।